कपड़ा है, बच्चा से अपना कपड़ा है। हाँ बैठिए बैठिए। लेते जाते रहो, देखो साइड हो, साइड हो, साइड हो। लो और ये बच्चे लोग लेते हुए सभी एक साथ लाइन में आ जाइए, सभी एक साथ लाइन में आ जाइए, सबको मिल रहा है। बाबू लाइन लाइन में आ जाइए, आप लोग लाइन में आ जाइए, लाइन में आ जाओ, लाइन में आ जाओ बाबू, लाइन में आ जाओ। लिया ना तुम, लिया कि नहीं? हो गया, पीछे चले जाइए, हो गया ना। ये लड़का का थोड़ा बड़ा वाला लड़का, थोड़ा थोड़ा साइड आ जाइए, साइड आ जाइए, गाड़ी जा रही है। ये लो, ये लो, जाओ। चल जा बुआ सब, चलो रुको रुको रुको, बहुत कराके भी ठंड है। ये बहनों, ये अच्छा लग रहा है ना, ये बहनों। एक और छोटको बच्चा कौन है? गोदी में, हाँ गोदी वाला बच्चा को लेके आया, यही वाला ठीक है, हाँ दीजिए उसको। ये स्लम एरिया पटना का, ये दिघा एरिया है बेसिकली, ये ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज के नीचे ये ड्रेन है। सो ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन। ऑन द ईव ऑफ दिस रिपब्लिक डे वी हैव सेलिब्रेटेड द वे वी वांटेड टू सेलिब्रेट दिस टाइम, एंड हियर इज मिस्टर देवयांशु विन, हियर बिहाइंड द कैमरा इज मी अश्विनी आनंद। ठीक है, बाय 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 बाय। सो एक एरिया तो कंप्लीट हो गया और कुछ क्लोथ्स हमारे पास बच गए हैं, विल सी नेक्स्ट
place where we'll get someone whom we can give. अब हम लोग वापस जा रहे हैं. जितने भी क्लोथ्स हमने लाए थे, विंटर क्लोथ्स और जो भी था, बेड शीट था और भी कुछ कुछ चीज़ें थी, वो सारा हमने डोनेट कर दिया. लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है ना, मतलब कहते हैं ना, कुछ सैड सा, बहुत इमोशनल सा. मेरे पास वर्ड्स नहीं है उस मोमेंट को एक्सप्लेन करने का कि अभी मैं कैसा फील कर रहा हूँ. ये सिचुएशन देख के, लोगों का गरीबी इस तरह से, जो भी हो रहा है, तुम कुछ कहना चाहते हो? स्लम एरियाज में इतने सारे बच्चों को हमने देखा, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि हम अपने पॉपुलेशन को, अपने ह्यूमन रिसोर्स को कितने इफेक्टिव वे में यूटिलाइज कर सकते थे. बट आज वो पॉपुलेशन हमारा अभिशाप बन चुका है. इस पॉपुलेशन को हम चाहे तो वरदान बना सकते हैं, बट क्या है कि हमारे जैसे या तुम्हारे जैसे लोग क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम विंटर क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कुछ खाना दे सकते हैं, 4 दिन 5 दिन 10 दिन, जब तक इन बच्चों के पास अफोर्डेबल एजुकेशन नहीं मिलेगा, फ्री एजुकेशन नहीं मिलेगा, तब तक ये बच्चे आने वाले टाइम में एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बन सकते हैं, आने वाले टाइम में एक फ्यूचर साइंटिस्ट या एक कल्पना चावला नहीं बन सकती है. तो हमें एक प्रॉपर वे में बच्चों को, ऐसे गरीब बच्चों को ना, ऐसे गरीब बच्चों के लिए कुछ करना होगा. और ये सिर्फ हम या तुम नहीं कर सकते हैं, ये मैक्सिमम जो लोगों के लिए जो सोच सकते हैं और कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट कर सकता है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज कर सकती है. अगर गवर्नमेंट वैसी पॉलिसीज गवर्नमेंट की हो जो अफोर्डेबल एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करे, जो इन सारे बच्चों पे जो ऐसे स्लम एरियाज में रहते हैं, जो शायद गवर्नमेंट स्कूल्स भी ना जा पाए, उन बच्चों को लेके गवर्नमेंट की पॉलिसीज होनी चाहिए इस कदर की कि वो एजुकेट भी हो सके और एक एक अच्छी लाइफ जीने का हक वो भी रखते हैं. वही है ना कि इतने छोटे से बच्चे, उनके फैमिली को, उनके पेरेंट्स को देख के ये नहीं लगा कि वो एक गवर्नमेंट स्कूल का भी एजुकेशन अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि उनका इतना अवेयरनेस नहीं है कि उनको पता भी नहीं है. अवेयरनेस नहीं है कि एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन से कैसे अपनी पॉवर्टी दूर कर सकते, उन्हें ये मालूम ही नहीं है. तो वो स्कूल का तो दूर सो सके, उन्हें तो पता ही नहीं कि बच्चे को, दो बच्चे, तीन बच्चे पैदा होने के बाद उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उनको किस तरह से ग्रूम अप करना है, कुछ नहीं पता है. वही है. और सरकारी संस्थानें जो भी है, जो भी एजुकेशन से लेके, जो बच्चे चाइल्ड एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट जो भी है, बहुत सारा सरकार का डिपार्टमेंट है, उनको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो खास करके इस टाइप के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स को कुछ पता नहीं है कि एजुकेशन क्या है, वो अवेयर नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन का, इन सब बच्चों को उनको डायरेक्ट लेना चाहिए और उन पे काम करना चाहिए, ताकि ये जो पीढ़ी है ना, ये जो जनरेशन है, जो अभी बच्चे हैं, वो भारत के कहीं ना कहीं तो फ्यूचर होंगे ही, क्योंकि दे ऑल आर इंडियंस. अभी हम अपने उस जनरेशन पे काम नहीं करेंगे तो ये अपने अपने देश के भाग्य को धोखा देने जैसा. और आने वाला टाइम इसी वजह से पॉपुलेशन अभिशाप बनेगा. हम चाहे तो इसे वरदान बना सकते हैं, गवर्नमेंट चाहे तो इसे वरदान बना सकते हैं. यस, तो यही है, हम सबको सोचना चाहिए क्या है क्या नहीं है. और जो जिसके पास जितने भी कैपेबिलिटी है, बहुत सारे लोग हैं जो करते भी हैं और करना भी चाहिए. हमें सब चीज़ सरकार पे डिपेंड नहीं भी रहना चाहिए सारी चीज़ के लिए, लेकिन बात वही घूम फिर के आ जाती है कि हम आप जैसे लोग कितना कर सकते हैं, जितना हमारा लिमिट है, एक हम सबका एक लिमिट है. लेकिन सरकार की यहाँ कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है, इनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए. बाकी अगर हमारा टैक्स एक आम आदमी का टैक्स, एक कॉर्पोरेट का टैक्स, अगर इन सारे बच्चों का फ्यूचर नहीं चेंज कर सकता है, तो फिर टैक्स देना बकवास है. सही बात है। जब हम बात करते हैं कि बेसिक सुविधाओं, मूलभूत सुविधाओं, हमारा फंडामेंटल राइट्स, राइट टू एजुकेशन, ये सब बहुत बड़ा. बच्चों के लिए हम विंटर क्लोथ लेके गए, बच्चे बोल रहे थे कुछ खाने के लिए नहीं लाए क्या? आप समझ सकते हो उस बच्चों का सिचुएशन, खास करके लॉकडाउन के टाइम में. अभी तो और भी दिक्कत हो रहा है, उन्हें कहीं कुछ नहीं मिल रहा है. और उनका जो सिचुएशन है, उनका जो रहने सहने का जो स्टाइल है, जो इतनी गंदगी में रहते हैं, तो कोई उन्हें एक मेड की नौकरी भी नहीं दे सकता है. बट उन्हें पता नहीं रहना अच्छा कैसे है, नाला के पास एक छोटी सी झोपड़ी बना के रह रहे हैं, किसी तरह से जीवन गुजार रहे हैं रोड के किनारे. उन्हें पता नहीं कि साफ सफाई कैसे रहना है. सारे मुद्दे हैं
ना बोलूं, लेकिन वही है कि बीइंग अवेयर सिटीजन, हम सबको ये सोचना होगा, समझना होगा कि हमारे जो बेसिक मुद्दा है, किस मुद्दों पे हमें बात करना। मैं बार बार वही बोलता हूँ कि हमारा बात करने का मुद्दा, हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है, वो हमें सोचना होगा कि वो क्या होना है। क्या वो मुद्दा देश हित में है, जो हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो मुद्दा देश हित में है या फिर नहीं है। बाकी तो जो चल रहा है चलता ही रहेगा, हमारा योगदान आपका योगदान रहेगा, सिग्निफिकेंट योगदान रहेगा, तो देश तो बदलेगा ही बदलेगा। इसी उम्मीद के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं और इसी आशा को लेके आगे बढ़ने का हौसला भी मिलता है कहीं ना कहीं। क्या जरूर, और इसी हौसले से हम लोग आने वाले टाइम में पूरी उम्मीद है कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे और एटलीस्ट कुछ ना कुछ अपने देश के लिए तो योगदान जरूर ही करेंगे। तो यही था हमारा गणतंत्र दिवस स्पेशल। हमने जो चाहा वो किया, आज कुछ अलग करना चाह रहे थे कि हाँ इस बार कुछ अलग करेंगे, तो जहाँ तक हो सके हमने अपने तरह से ट्राई किया, यही है। So, एक मेंटल सैटिस्फैक्शन है। या सो थैंक यू सो मच। सो फ्रॉम आवर साइड टू यू ऑल, वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे।